फैसलाबाद में गुर्दों के मरीजों के लिए अच्छी खबर है। पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी का अलाइड अस्पताल में 40 डायलिसिस मशीनें और 30 बेड्स लगाने का ऐलान। अस्पताल इंतजामिया के साथ एमओयू पर दस्तखत हो गए। पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी ने सबसे बड़ा डायलिसिस यूनिट अलाइड अस्पताल फैसलाबाद में बनाने का ऐलान कर दिया। एमएस डॉक्टर खुरम अल्ताफ का कहना है कि 30 बेड नेफ्रोलॉजी के भी लगाए जाएंगे। पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी के साथ मुआहदा तय पा गया है। आज हमने एक एमओयू साइन किया है, वीसी साहब की सरप्राइज में एक मीटिंग हुई है जिसमें पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी हमें एक डायलिसिस सेंटर बना के देगी। एमएस डॉक्टर खुरम अल्ताफ का कहना है कि पहले मरहले में 4 करोड़ खर्च होंगे जिससे गुर्दे के मरीज मुस्तफीद हो सकेंगे। इन्होंने कहा कि बर्न यूनिट के साथ ही बिल्डिंग की तमीर का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। इसकी कैपेसिटी जो है तकरीबन 30 से 40 इसमें डायलिसिस की मशीनें लग सकेंगी। इसके अलावा एक नेफ्रोलॉजी का वार्ड होगा इसके साथ जो कि 30 बेड्स पे मुश्तमिल होगा। एमएस डॉक्टर खुरम अल्ताफ का मजीद कहना है कि अलाइड अस्पताल शोभा अंदरूनी मरीजा में नेफ्रोलॉजी वार्ड खत्म करके एक वार्ड बनाया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ हजदार हुसैन, फैसलाबाद।